तो आज हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है द एटम प्रोजेक्ट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। तो मूवी शुरू होती है जहां हम स्पेस का सीन देखते हैं, जो 2050 का होता है। उसी बीच एक स्पेसक्राफ्ट में हमारा हीरो, जिसका नाम एडम होता है, जिसके पीछा एक स्पेसक्राफ्ट कर रहा होता है, जिसमें एक औरत होती है। एडम उससे भाग रहा होता है, उसके शरीर पे गोली लगी होती है। उसी दौरान वो स्पेसक्राफ्ट एडम पर गोली चलाने लगता है, उसके बाद वो प्लेन खराब हो जाता है। उसी बीच एडम एक वर्म होल टेक्नोलॉजी यूज करता है और उस वर्म होल में गायब हो जाता है। 2022। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का स्कूल में भाग रहा होता है, जिसका नाम एडम होता है। एडम बहुत बड़बोला होता है, जिसकी वजह से कुछ लड़के उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही एडम को पकड़ते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं। अब हम एक औरत को देखते हैं, जो एडम की तरफ बढ़ती है, जो कि उसकी मॉम होती है। इनका नाम एली होता है। वो स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है, फिर एडम को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब एडम और उसकी मॉम कार से जाते हैं। यहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, जिस पे एडम कहता है कि पहले उन लड़कों ने उससे बदतमीजी की थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन एडम कहता है कि डैड उसकी बात को समझते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। रात को एली एक डिनर के लिए बाहर जाती है और एडम घर पे अकेला गेम खेल रहा होता है। तभी लाइट चली जाती है और एडम एक टॉर्च लेके घर के बाहर आ जाता है। उसका कुत्ता हॉकिंग जंगल में भाग जाता है। एडम उसका पीछा करता है कि वहाँ जंगल में उसे कुछ ऐसा दिखता है, उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है और वो वहाँ से भाग आता है। तभी हॉकिंग गैराज में घुस जाता है। एडम को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो टॉर्च लेके घर की तरफ बढ़ता है कि तभी उसे एक शख्स वहाँ दिखता है। एडम अपना बैट लेके उससे पूछता है कि वो कौन है। उस शख्स ने एक स्पेस सूट पहना होता है। वो देखता है कि उसे गोली लगी है। एडम उससे पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है, जिसपे छोटा एडम कहता है कि डेट पे गई है और वो घर में आ जाता है। वो फ्रिज से कुछ निकाल के खाता है और फ्रिज बंद कर रहा होता है। पीछे से छोटा एडम ये देख रहा होता है। अब एडम ड्रेसिंग करना चाहता है कि छोटा एडम उसका कुछ सामान बैग से निकाल लेता है, जिसपे एडम उसे मना करता है। अब एडम घर के ऊपर कुछ सामान लेने जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे जाता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसपे एडम उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। छोटा एडम उस बैग के सामान के बारे में पूछता है, लेकिन एडम उसे कुछ नहीं बताता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानता है। जहाँ एडम उससे उसके बारे में सब कुछ बता देता है और उसका कुत्ता हॉकिंग के बारे में भी। अब छोटा एडम कहता है कि उसको डॉग का नाम कैसे पता, जिस पे एडम कहता है कि ये नाम उसी ने उसे दिया था। छोटा एडम ये सुनकर शॉक हो जाता है और एडम से कहता है कि तुम्हें घर में घुसना आता है और हम दोनों की चोट का निशान भी सेम है और हम दोनों के पास डैड की वॉच है, हम एक ही जैसे है। उसे कहता है कि ये भी एक सीक्रेट है। अब दोनों एडम जंगल में जाते हैं, जहां एडम उसे कहता है कि वो एक रेस्क्यू मिशन पे था। छोटा एडम उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, जिसके बाद एडम अपने स्पेसक्राफ्ट ऑन करता है और उसे दिखाता है। अब दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और एडम को पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट काफी खराब हालत में होता है और अब वो प्लेन को सेल्फ रिपेयर पे लगा देता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि अगर वो फ्यूचर से है तो क्या उसे ये पल याद है। एडम उससे कहता है कि जैसे ही वो वापस फ्यूचर में जाएगा, उन दोनों की मेमोरीज एक हो जाएंगी। अब दोनों एडम पुराने घर में आ जाते हैं, जहां एडम छोटे एडम से कहता है कि वो आराम करना चाहता है। अगली सुबह छोटा एडम घर पे नाश्ता कर रहा होता है और मॉम ऑफिस के लिए निकलती है। अब एडम ड्रेसिंग के लिए बाहर जाता है, जिसपे छोटा एडम उससे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद एडम घर से अपने डैड कपड़े पहनता है। दोनों एडम बाहर जाते हैं। एडम देखता है कि प्लेन रिपेयर हो रहा है। यहाँ छोटा एडम उससे कहता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो 2018 में है और तुम गलती से 2022 में आ गए। जिसपे एडम उससे कहता है कि उसको गोली लगी थी, जिसकी वजह से प्लेन के कोऑर्डिनेट्स गलत सेट हो गए। एडम अब मेडिकल स्टोर जाता है और ड्रेसिंग के लिए सामान लेता है कि छोटा एडम को वही स्कूल मेट्स उसे मारने लगते हैं और छोटा एडम घर भाग जाता है। एडम उसके पीछे जाता है। छोटा एडम घर के दरवाजा बंद कर लेता है और वो एडम का बैग चेक करने लगता है, जिसमे
में उसे एक फोन में एक लड़की की फोटो दिखती है, जिसपे एडम कहता है कि ये हमारी वाइफ है जिसका नाम लॉरा होता है। अब हम एक स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो एडम के प्लेन के लिए एरिया को सर्च करने को कहती है और अपनी आर्मी से उन्हें ढूंढने को कहती है। दोनों एडम यहाँ लॉरा की बात कर रहे होते हैं। यहाँ एडम उसे कहता है कि वो लॉरा से एकेडमी में मिला था कुछ साल पहले, वो ट्रेनिंग से नहीं लौटी। लेकिन एडम को इस बात पर भरोसा नहीं था, लॉरा उस समय 2018 में गई थी और एडम भी उसे ढूंढने ही जा रहा, गलती से यहाँ आ गया। एडम कहता है कि सोरियन जो उसके डैड की बिजनेस पार्टनर है, डैड की मौत के बाद सोरियन ने कंपनी और उनके इन्वेंशन को ओवरटेक कर लिया। छोटा एडम लॉरा के बारे में उससे पूछता है, उसमें एडम उससे कहता है कि शायद सोरियन ने उसे मरवा दिया, कि तभी एडम को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है। देखते ही देखते सोरियन की आर्मी वहाँ हमला कर देती है। क्रिस्टोस वहाँ आता है जो सोरियन का आर्मी चीफ होता है। सोरियन उसे वहाँ से चलने को कहती है लेकिन एडम उसे मना कर देता है। सोरियन कहती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा। इसके बाद क्रिस्टोस उसे बहुत मारता है कि तभी सोरियन के प्लेन पे कोई अटैक कर देता है। एडम उसे देखता है कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। अब एडम और वो लड़की एक एक करके सोरियन की आर्मी को खत्म करने लगती है और सोरियन वहाँ से चली जाती है और वो लोग भी वहाँ से निकलते हैं। कार में हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं लॉरा होती है। एडम उससे छोटे एडम से मिलवाता है, तभी सोरियन का प्लेन पीछे से उन पर हमला कर देता है और वो लोग जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं और एक घर में पहुँचते हैं। यहाँ लॉरा बताती है कि सोरियन 2018 में वापस आई थी क्योंकि जब उसके डैड ने मैग्नेटिक एक्सीलरेटर बनाया था, वो फ्यूचर की अपनी रुकावटों को खत्म करने आई थी। क्योंकि लॉरा को उसकी जानकारी थी, इसलिए सोरियन ने उसे पास्ट में भेज दिया था और उसे एडम पे भरोसा था कि वो उसे जरूर ढूंढेगा। उससे कहती है कि ये सब ठीक करना होगा, टाइम ट्रेवल का इन्वेंट करने से रोकना होगा। उसी बीच सायरन बजता है, सोरियन की आर्मी वहाँ पहुँचने वाली होती है। लॉरा एडम को वापस भेजना चाहती है लेकिन एडम उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, जिसके बाद एडम वहाँ से निकलता है और लॉरा स्कारल और ग्रेनेड लेके सोरियन के आदमियों की कार उड़ा देती है। लगता है ये पबजी फैन है। उधर दोनों एडम प्लेन को शुरू कर देते हैं। यहाँ सोरियन लॉरा के पास पहुँचती है और उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद एडम के प्लेन पर क्रिस्टोस हमला कर देता है। तभी एडम वॉर्म होल बनाता है और 2018 में पहुँच जाता है। यहाँ रीड नाम के शख्स को देखते हैं जो फिजिक्स क्लास ले रहा होता है कि तभी क्लास के दौरान एडम वहाँ पहुँचता है। रीड की नज़र उस पर पड़ती है और वो उन्हें पहचान लेता है क्योंकि रीड ही उनका डैड होता है। अब दोनों एडम रीड को बताते हैं कि एडम 2015 से यहाँ आया है और वो लोग एक जेट से यहाँ आए हैं। रीड उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तभी एडम बताता है कि माया सोरियन पहले से ही ये सब कर चुकी है। रीड को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि सोरियन ने ही रीड की द एडम प्रोजेक्ट, जिसमें पावरफुल पल्स के साथ एक वॉर्म होल बना के फ्यूचर में जाने की टेक्नोलॉजी जो की सोरियन फंड कर रही होती है। रीड को यकीन नहीं होता है कि वो फ्यूचर ट्रैवल का इन्वेंटर है। यहाँ सोरियन पास्ट वाले सोरियन के पास आती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें टाइम ट्रैवल कंट्रोल करना है तो उस बच्चे एडम रीड को खत्म करना हो। यहाँ सोरियन की कंपनी में हम दोनों एडम को देखते हैं, जहाँ वो 2018 का सबसे बड़ा मैग्नेटिक एक्सीलरेटर जो कि सोरियन का है, उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। एडम कंपनी के अंदर जाता है कि रास्ते में सोरियन के भाड़े वाले टट्टू बीच में आके एडम पे हमला कर देते हैं। उसी बीच रीड भी वहाँ आ जाता है और एडम को उन टट्टू से बचा लेता है और अब रीड और एडम दोनों उस एक्सीलरेटर को तबाह करना चाहते हैं। और रीड कहता है कि अगर एक्सीलरेटर को तबाह किया तो सोरियन को फिर से बना लेगी, इसीलिए हमें स्पीका जो एक एल्गोरिथम है, रीड ने एल्गोरिथम एक्सीलरेटर को स्टेबल रखने के लिए बनाया था और वो एल्गोरिथम एक हार्ड ड्राइव में है। वो दोनों अब बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां वो एक्सीलरेटर को देखते हैं कि रीड हार्ड ड्राइव को निकाल लेता है। तभी दोनों सोरियन और उसके टट्टू वहां पहुंच जाते हैं। सोरियन के पास छोटा एडम होता है और वो एडम से बदले में हार्ड ड्राइव मांगते हैं, कि तभी छोटा एडम कुछ ऐसा करता है जिसके बाद वो एक्सीलरेटर अनस्टेबल हो जाता है और सब चीजें उसकी तरफ खींचने लगती हैं। उसी बीच यहाँ क्रिस्टोस और एडम की फाइट हो जाती है। उधर रीड एक्सीलरेटर को बंद करने की कोशिश करता है, क्रिस्टोस एडम को मारता है कि वो मैग्नेटाइज हुए पार्टिकल के बीच में आ जाता है और खत्म हो जाता है। रीड की कई कोशिशों के बाद भी एक्सीलरेटर अब पूरा अनस्टेबल हो जाता है। अब एक तरफ सोरियन और दूसरी तरफ रीड फैमिली होती है कि सोरियन उन पर गोली चला देती। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो गोली सोरियन पे ही लग जाती है, जिससे सोरियन मर जाती है। अब वो एक्सीलरेटर डिस्ट्रॉय होने लगता है, सब वहां से भागते हैं। रीड और बाकी सब अब घर में गार्डन में खेल रहे होते हैं कि तभी दोनों एडम गायब हो जाते हैं और अपने अपने टाइम में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह हम एडम और एली को देखते हैं। फ्यूचर में हम एडम को देखते हैं जहां वो एकेडमी की क्लास ले रहा होता है कि वो पहली बार लॉरा से मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ।
Till then, keep watching movies. Magnitude.